जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो सिद्धानं, नमो अरहंतानं, नमो अरहंतानं। अरहत को पहले नमस्कार और सिद्ध को बाद में नमस्कार। प्रश्न आवश्यक है और अस्थानीय भी नहीं। सिद्ध सर्वथा कर्म मुक्त है, जबकि अरहत के चार कर्म भी रहते, शरीर भी रहता है, वे अशरीर है। तो पहला स्थान सिद्ध का है, दूसरा स्थान अरहत का। यह क्यों, यह विपर्यास क्यों? पहले होना चाहिए नमो सिद्धानं और फिर नमो अरहंतानं। इस प्रश्न का उत्तर व्यावहारिक दृष्टि से भी खोजें तो सरल है कि आदमी प्रथम स्थान उसको देता है जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। सिद्ध है, परमात्मा है, पर उनसे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। अपने आप में तो परम बन गए, पर हमारे लिए उनकी उपयोगिता नहीं रही। उपयोगितावादी दृष्टिकोण, दर्शन के क्षेत्र में दो दृष्टिकोण हैं, एक अस्तित्ववादी दृष्टिकोण और एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण। तो आदमी उपयोगिता की बात सोचता है कि हमारे लिए इसका क्या उपयोग है। अगर हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है तो फिर वह हमारे काम का नहीं। अरहत की उपयोगिता है क्योंकि वह शरीरधारी है, बोलते हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, तो उनकी उपयोगिता है। जो अपने आप में लीन हो गया उसकी समाज के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और उसके आधार पर ही हम शक्ति का विश्लेषण कर सकते हैं। शक्ति एक अत्यंत अनिवार्य तत्व है। शक्ति के बिना हमारा कोई काम नहीं होता। हमारे शरीर में तेजस शरीर की शक्ति है, इसीलिए हम बोलते हैं, चलते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। एक अंगुली भी हिलाना है शक्ति के बिना, तेजस शरीर के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तेजस शरीर हमारे भीतर एक शरीर है, विद्युत शरीर, एक इलेक्ट्रिकल बॉडी हमारे भीतर है और उस इलेक्ट्रिकल बॉडी तेजस शरीर के माध्यम से ही हमारी सारी क्रिया होती है। जहाँ तेजस शरीर स्थान छोड़ देता है आदमी का शरीर शून्य हो जाता है। लकवा मार गया, पोलियो हो गया, यह हो गया, वह हो गया, निकम्मा हो गया अवयव, इसका अर्थ है कि तेजस शरीर वहां से चल विदा हो गया, वह स्थान शून्य हो गया। तो तेजस शरीर की शक्ति, हमारी सारी शक्ति विद्युत के द्वारा संचालित होती है,
चाहे व्यवहार के क्षेत्र में देख लो कि विद्युत के द्वारा सारा विज्ञान का विकास चल रहा है, और आंतरिक दृष्टि में देखें तो हमारी आंतरिक विद्युत के द्वारा यानी तेजस ऊर्जा के द्वारा हमारा सारा कार्य चल रहा है। आगे जाएं तो एक कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का उदय होता है, शक्ति का स्खलन हो जाता है, और अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होता है, विलय होता है, तो शक्ति का विकास हो जाता है। हम ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे छहों दिशाओं में देखें, खूब ध्यान से देखें, तो पता चलेगा कि जहां शक्ति है वहां सफलता है, जहां शक्ति नहीं है वहां सफलता नहीं है। समस्या तो है शक्ति का उपयोग। कुछ लोग शक्तिशाली हो जाते हैं, उपयोग अच्छा नहीं करते, दूसरों को सताने में करते। कुछ लोग ऐसे हैं कि शक्तिशाली होकर दूसरों की भलाई के लिए उसका उपयोग करते हैं। दुनिया में दोनों धाराएं चल रही है। कुछ लोग शक्तिशाली बन गए, उनके पास शस्त्र बल हो गया, धन बल हो गया, और जन बल भी हो गया। जन बल है, धन बल है, और शस्त्र बल है, तो फिर उन पर कोई अब अंकुश नहीं, जो चाहे सो कर देते हैं सारा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ये तीनों है पर उनमें विवेक की चेतना जागृत है, इसलिए वे किसी दूसरे का अनिष्ट नहीं करते। शक्ति का उपयोग दोनों दिशाओं में होता है, दूसरे की भलाई करने में भी होता है और दूसरे का अनिष्ट करने में भी होता है। कुछ व्यक्ति आए, एक व्यक्ति ने कहा कि किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग करा दिया, अभी कमरे में 2000 रुपये लाकर रखे, 2 घंटा बाद नदारद, ताला बंद है, कमरा बंद है, खोले तो रुपया नहीं, अभी तक तो कोई गया नहीं, किंतु एक शक्ति का प्रयोग जरूर है, तांत्रिक प्रयोग का अपहरण हो सकता है सीधे। पहले भी हमारे सामने कई बार ये समस्या आई कि बड़ी भारी समस्या है, और भी कुछ समस्याएं आई, यानी शक्ति का दुरुपयोग भी बहुत होता है। ऐसे मंत्र भी हैं, यंत्र भी हैं, और तंत्र के प्रयोग हैं जिससे दूसरे का अनिष्ट किया जा सकता है। भाई ने बताया, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलता था, पर पता नहीं किसी ने कोई प्रयोग करा दिया, अब कोई आदमी दुकान तक आता है, आते ही मुड़ जाता है, ऊपर चढ़ना पसंद नहीं करता। प्रयोग है जरूर, शक्ति है, पर यह है शक्ति का दुरुपयोग। शक्ति के साथ एक अंकुश की जरूरत है। हाथी पर अंकुश होता था तो हाथी मदोन्मत होता, तो महावत अंकुश लगाता और हाथी शांत हो जाता। हर चीज पर अंकुश की जरूरत है, अन्यथा यह नकारात्मक शक्ति बहुत बड़ा अनिष्ट कर सकती है। तो हम भी विचार करें, पहला विचार तो यह करें कि कमजोर किसी को नहीं रहना। कमजोर जो होता है, शक्तिहीन होता है, वह दुनिया में एक कंकड़ की तरह, पत्थर या मिट्टी के ढेले की तरह अपना जीवन जीता है, और कोई उसका मूल्य नहीं होता। एक कठपुतली का सा जीवन जीता है, ज्यादा उसका मूल्य नहीं होता। तो पहला संकल्प है कि शक्तिशाली होना है। वीर्य का उपयोग करना है, वीर्य शक्ति, हमारी बल शक्ति, शरीर का बल, मन का बल, वाक बल, वाणी का बल, भावना का बल, ये हमारी आंतरिक बल है, और धन बल, जन बल, ये
शस्त्र बल, ये सब बाहर के बल हैं। तो अब शक्ति का उपयोग कैसे करें? आजकल ऐसा लगता है कि शस्त्र बल बहुत बढ़ गए, उसका उपयोग भी बहुत हो रहा है। उपयोग नहीं कहना चाहिए, दुरुपयोग बहुत हो रहा है। इसका कारण कि उसके साथ वह हित की भावना नहीं है, विवेक चेतना नहीं है। जहाँ विवेक की चेतना नहीं होती, हित की भावना नहीं होती, इष्ट की भावना नहीं होती, अनिष्ट की भावना होती है, वहाँ उसका दुरुपयोग हो जाता है। एक संस्कृत साहित्य में कथा है कि कोई संयोग ऐसा बैठा कि बंदर राजा का भक्त बन गया। पशु पक्षी भी कभी कभी किसी के भक्त बन जाते हैं। कुत्ता भी स्वामी भक्त हो जाता है, बंदर भी हो जाता है, तोते मैना ये भी हो जाती है। तो राजा का भक्त बन गया, बस राजा को छोड़ता ही नहीं है, हमेशा राजा के पास रहता है। राजा सोता और बंदर पहरा देता, रखवाली करता। लोगों ने देखा बड़ा स्वामी भक्त है, अच्छा, बड़ा जागरूक है। आदमी तो शायद कभी झपकी ले लेता है, पर यह बंदर तो झपकी नहीं लेता कभी, सुरक्षा पूरी करता है राजा की। तो अधिकारी ने चिंतन किया कि जब राजा सोता है, अब बंदर पहरा देता है, तो इसके हाथ में तलवार दे दी जाए तो पूरी सुरक्षा करेगा। हाथ में शक्ति तो आ गई, बंदर के हाथ में तलवार आ गई, अब सुरक्षा का साधन आ गया, पर साथ में विवेक नहीं था। शक्ति तो दे दी पर विवेक नहीं दिया। राजा एक दिन सो रहा था और मक्खियां बहुत हो गई थी, तो राजा के शरीर पर मक्खी आकर बैठती थी। अब आदमी तो मक्खी को उड़ाता, पर बंदर के पास वह तो हाथ तो है नहीं कि जैसे उड़ा दे। तो मक्खी गले पर आकर बैठी, तो बंदर ने सोचा कि मक्खी बार बार आ रही है। मक्खी आई और उड़ाने के लिए चलाई तलवार, मक्खी भी उड़ गई, साथ साथ में गला भी उड़ गया। शक्ति का दुरुपयोग, यानी शक्ति किस हाथ में जानी चाहिए, जब तक यह विचार नहीं होता दुनिया में, तो हमेशा शक्ति का दुरुपयोग होता रहता है। शक्ति आवश्यक है, पर शक्ति किस हाथ में जानी चाहिए यह बहुत जरूरी है। वरना बंदर के हाथ में तलवार दे दी तो गला तो कटना ही था, कट गया। यह नहीं देखा कि स्वामी भक्त तो है पर साथ में विवेक नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि दुर्जन है और एक सज्जन है, एक बुरा चाहने वाला एक भला चाहने वाला है। तो संस्कृत कवि ने लिखा, पंडितोपि वरम शत्रु, दुश्मन है शत्रु है, अगर पंडित है तो अच्छा है, न मूर्खो हितकारक है। हितकारी है किंतु मूर्ख है, वह अच्छा नहीं है। केवल हित सोचने से नहीं होता। तो इसलिए एक बहुत बड़ा आज का विषय बन गया कि शक्ति का उपयोग कैसे हो, शक्ति किन हाथों में हो। आज की सारी दुनिया की एक समस्या है कि शक्ति कहाँ हो, किन हाथों में हो। शक्ति का जागरण अच्छा या बुरा, भगवान महावीर के पास जो जयंती के प्रश्न थे, उन प्रश्नों के संदर्भ में एक प्रश्न हम बना लें कि महावीर से कोई पूछे कि बंते, शक्ति का होना अच्छा है या बुरा, शक्ति का जागरण अच्छा है या बुरा, तो महावीर का उत्तर होगा कि अगर विवेक चेतना है तो शक्ति का जागरण अच्छा है, और विवेक चेतना नहीं है तो शक्ति का सोए रहना ही अच्छा है, न जागना ही अच्छा है। कुछ समय ऐसा आता है जहाँ शक्ति का विशेष जागरण हो सकता है। अभी अभी भगवती में हम काम कर रहे थे, 5 करण आए, दब्ब करणम, खेत करणम,
काल करणम, भाव करणम, भव करणम, पांच प्रकार के साधकतम साधन है, साधन है। और साधन वह होता है कि साधकतम उसके होने पर क्रिया हो जाती है। तो क्षेत्र भी एक कर्ण है, स्थान एक कर्ण है, क्षेत्र साधन बनता है। एक अच्छा क्षेत्र मिला, चेतना जाग जाएगी, और क्षेत्र खराब मिला तो चेतना सो जाएगी। सब क्षेत्र समान नहीं होते, कुछ क्षेत्र है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाते हैं, कि जहाँ शक्ति का जागरण हो सकता है। इसलिए क्षेत्र का विवेक करना भी जरूरी। तो वैसे ही काल करणम, काल भी एक करण बनता है, यानी किस समय आकाश से ग्रहों का कैसा विकिरण हो रहा है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है ये, कि किस राशि में किस समय ग्रहों का कैसा विकिरण हो रहा है, उस समय क्या करना चाहिए, बड़ा विज्ञान है एक, जैसे जैविक घड़ी का विज्ञान है। एक घड़ी जो आपके हाथ पर बंधी है वह नहीं, जैविक घड़ी, आपके भीतर एक घड़ी है, बायो इलेक्ट्रिकल वॉच, एक जैविक घड़ी है। तो वह घड़ी उस समय बताती है कि अभी 2 बजे हैं, तो आपको 2 बजे क्या काम करना चाहिए। अभी 3 बजे का समय है, 3 और 5 के बीच में अगर आपको कोई गहरा चिंतन करना है, कोई बौद्धिक काम करना है, कोई भाष्य लिखना है, टिप्पणी लिखना है, अच्छा काम करना है, तो 3 से 5 के बीच का समय बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। आपको भोजन करना है तो हर समय खाना अच्छा नहीं, 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय भोजन के लिए सबसे अच्छा समय है। यह नहीं कि रात को 3 बजे 2 बजे खाए, अच्छा समय नहीं होता। और आजकल यह समय का ज्ञान नहीं है कि किस समय कौन सा काम करना चाहिए, इसीलिए सारा उल्टा हो जाता है। हमें द्रव्य का ज्ञान होना चाहिए कि किस द्रव्य का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए कि किस क्षेत्र का हमारे मन पर क्या असर होती है। और हमें काल का कि किस समय कौन सा समय हमें प्रभावित करता है। समय समान नहीं होता, एक समय ऐसा होता है कि आपकी स्मृति शक्ति बढ़ जाएगी, एक समय ऐसा है कि आपकी जो कोई रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो नए तथ्य खोजने की आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। उस जैविक घड़ी के आधार पर हमारा मस्तिष्क काम करता है, हमारा शरीर काम करता है। तो काल का भी बड़ा प्रभाव है। और कौन सा समय आता है जिस समय अच्छे ग्रहों का विकिरण होता है। हमने अनुभव किया, देखा कि इस समय शक्ति जागरण के लिए अच्छे विकिरण आदमी को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारा पहला संकल्प होना चाहिए, हमें शक्ति का विकास करना है, यानी अंतराय कर्म के क्षयोपशम को बढ़ाना है। और भीतर के जो तंत्र है हमारी शक्ति के, उनको भी सक्रिय करना है, शक्तिशाली होना है। मैं तो मानता हूँ कि जब से बच्चा समझने लग जाए, तब से ही उसके मन में एक संस्कार बन जाए कि मुझे शक्तिशाली होना है। हौ कामेनम, 10वीं कालिक सूत्र में एक बहुत सुंदर प्रयोग आता है, हौ कामे। 2 बच्चे खड़े हैं और एक से पूछे, हौ कामे, क्या तुम कुछ होना चाहते हो। कहा, होना चाहता हूं। दूसरे से पूछे, तुम होना चाहते हो। कहा, नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। दोनों की दिशाएं अलग हो जाएगी। यह संकल्प हो कि मुझे कुछ होना है, इस दुनिया में जन्म लिया है, मनुष्य का शरीर मिला है, और दुर्लभ शरीर मिला है जिसमें शक्तिशाली नाड़ी तंत्र, शक्तिशाली ग्रंथि तंत्र और हमारी शक्तिशाली रसायन, ये सारा संयोग मिला है, तो मुझे अवश्य कुछ होना है। हौ कामेनम,
मुझे कुछ बनना है। अब जब मुझे कुछ होना है तो फिर दिशा का निर्धारण करना होता है। मैं जो होना चाहता हूँ तो मुझे किस दिशा में जाना है इसका निर्धारण करना होगा। अगर व्यापारी होना है तो उसकी दिशा भिन्न हो जाएगी, सर्विस में जाना है तो उसकी दिशा भिन्न हो जाएगी, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और आजकल सॉफ्टवेयर का बहुत चलता है, उसमें कुछ काम करना है, तो दिशाएं भिन्न भिन्न हो जाएगी। पर मन में एक ललक जाग जाए कि मुझे कुछ न कुछ होना है, ऐसे ही नहीं रहना है। इतना दुर्लभ संयोग मैंने प्राप्त किया तो खाली नहीं रहना है, कुछ होना है। तो शक्ति का अर्जन, सब जानते हैं कि भगवान महावीर पुरुषार्थवादी थे। हजारों वर्ष पहले से दो बाद यहां चलते रहे दो दार्शनिक विचारधाराएं, एक नियतिवाद और एक पुरुषार्थवाद। एक था नियतिवाद, भाग भरोसे कि जो होना है अपने आप हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा, होना है हो जाएगा, चलते रहे। दूसरा पुरुषार्थवाद कि मैं यह बनना चाहता हूं और अपने पुरुषार्थ के द्वारा मैं बन सकता हूं, बनकर रहूंगा। यह हमारा पुरुषार्थवाद। हम नियतिवादी में विश्वास नहीं करते, नियतिवादी विचारधारा में विश्वास नहीं है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ कि जो होना है सो अपने आप हो जाएगा। जब नियतिवाद और पुरुषार्थवाद का संघर्ष चला, आपस में चिंतन विचार विमर्श चला, तो पुरुषार्थवादी ने नीतिवादी से कहा कि तुम खाते क्यों हो, कि भूख बुझाने के लिए क्यों खाते हो, तुम्हारे सामने थाली रख दी और पेट भरना तो भर जाएगा, तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत क्या है, तुम्हें कोर तोड़ने की जरूरत क्या है, फिर कोर को मुंह में ले जाने की जरूरत क्या है, फिर चबाने की जरूरत क्या है, और फिर पाचन तंत्र को कष्ट देने की जरूरत क्या है, जो होना है सो अपने आप हो जाएगा। तुम्हें जाना है अहमदाबाद से बंबई जाना है तो बस चले जाओगे, जब होना है तो अपने आप हो जाएगा, फिर क्यों रिजर्वेशन कराओ, क्यों टिकट लो, क्यों इतना धंधा करो, जो होना है सो हो जाएगा। हम देखते हैं पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं होता। आदमी को पुरुषार्थ करना होता है, श्रम करना होता है, कोरा भाग भी काम नहीं देता। सिद्धांत तो यहां तक जा सकता है कि अगर पुरुषार्थ नहीं है तो अच्छा भाग्य भी निकम्मा चला जाता है। एक आदमी का भाग्य बहुत अच्छा है पर आलसी है, पुरुषार्थ नहीं किया तो भाग भी निकम्मा चला जाएगा। इसलिए हम श्रम करें, पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ के द्वारा शक्ति को जगाने का प्रयत्न करें। सब लोग चिंतन करें कि शक्तिशाली होना हमारी कल्पना हो, शक्तिशाली बनना है और उसके लिए उपाय खोजना, उपाय में ध्यान, मंत्र, जप, अनुप्रेक्षा आदि अनेक उपाय है, उपाय खोजना, उनका प्रयोग करना, पर साथ में अहिंसा की भावना रखना कि मैं शक्ति अर्जन करूँगा पर उसके द्वारा किसी का भी अनिष्ट नहीं करूंगा, यह संकल्प, तो फिर शक्ति की साधना बहुत सार्थक हो सकती है और उसके द्वारा अपना विकास हो सकता है। हाँ, विकास के लिए, अपने कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए उसका उपयोग किया जाए तो समस्याओं का समाधान होता है। तो शक्ति का अर्जन, शक्ति का संचय, शक्ति का उपयोग, इन सब पर विचार करें और भगवान महावीर की उस वाणी पर विचार करें। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार शब्द ऐसे हैं कि कोई भी काम द्रव्य की दृष्टि से देखें, क्षेत्र पर विचार करें, काल पर विचार करें और भाव पर विचार करें, इन सब का एक संतुलन बनाएं तो एक और अधिक शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। 20 वर्षों बाद आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में
प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद में आयोजित है। अष्ट दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर, तारीख 10 से 17 मार्च 2023, स्थान प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 7990037704 या 9327006632। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः, प्रज्ञ गुरुवे।